बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त को पूरी कौम ने जश्न आज़ादी मनाया, निगरान वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया और 15 अगस्त को अभी काबीना बना भी नहीं है, पुरानी हुकूमत चली गई है, नई हुकूमत बनी नहीं है कि एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी कौम को हैरान और परेशान कर दिया और वो 20 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा है। जाहिर है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो जरूरत के हर चीज की कीमत में इजाफा होता है। इस हुकूमत के इस फैसले ने कौम को बुरी तरह मायूस किया। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और निगरान वज़ीर आज़म से कहते हैं कि इस फैसले को वापस लो। हमारा तो ये ख्याल था कि गुज़श्ता हुकूमतों ने जो जुल्म किया है मौजूदा निगरान हुकूमत उसका इजाला करेगी और कीमतों में कमी करेगी, लेकिन लगता यही है कि इन हुकूमतों ने IMF के कहने पर इस कौम को और पाकिस्तान को नचोड़ने का फैसला किया है जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। मैं अपनी कौम से भी अपील करता हूं, हर शहरी से अपील करता हूं कि इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ उठ खड़े हो। आइंदा जुमे को जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से तमाम अजला में जिले हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अवाम पर रहम करे। IMF के कहने पर लोगों का खून और पसीना नचोड़ने की मजीद कोशिश ना करें, इन जालिमाना फैसलों को वापस कर ले और जिन लोगों ने महंगे और बड़े कर्जे लिए हैं उनसे कर्जे वापस लेकर वापस कर ले, लेकिन गरीब अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है।